ये तो आप जानते हैं कि चीन हर बार इसी कोशिश में रहता है कि कैसे भी करके भारत को साइडलाइन किया जा सके। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर कोई देश दुनिया में है जो चीन को उसी के गढ़ में चुनौती दे सकता है तो वो अकेला देश भारत ही है। तभी तो अफ्रीका ले लें, मिडिल ईस्ट या फिर आशियान देश ही ले लें, भारत हर जगह चीन को पटकनी देने में लगा हुआ है। और ऐसा ही कुछ अफ्रीका में भी देखने को मिला है, जहां चीन ने अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। और तो और चीन ने कोरोना महामारी के दौरान भी अफ्रीकी देशों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि चीन की सोच क्या है। यहां हम आपको बता दें कि लगभग एक साल पहले चीन चावल की कीमतें कम करके अफ्रीका में भारतीय चावल निर्यात को कम करने की कोशिश कर रहा था, पर यहां भारत की विदेश नीति ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि न केवल भारत अफ्रीका में चावल का बड़ा निर्यातक बना है बल्कि चीन भी खुद भारतीय चावल ही खरीद रहा है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में खराब मौसम के चलते उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली है, जबकि भारत में अच्छे मौसम के कारण उत्पादन एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जो भारत को नई ताकत दे रहा है और इससे भारतीय कृषि को भी लाभ होना निश्चित ही हो गया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी थी, जिसके कारण दुनिया भर के अधिकांश देशों में चावल की कमी हो गई थी। ऐसे में भारत उन्हें खिलाने के लिए आगे आया। और ये जानकर तो आप हैरानी हो जाएंगे कि थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश जो पारंपरिक रूप से चावल निर्यात के पावर हाउस माने जाते थे, अब वो खुद ही भारत से चावल निर्यात करने पर मजबूर हो चुके हैं। यहां हम आपको बता दें कि भारतीय व्यापारियों ने वियतनाम को 70,000 टन चावल का निर्यात करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो पहली बार भारतीय चावल खरीद रहा है। वियतनाम में चावल की घरेलू कीमतों में $500 प्रति टन तक की वृद्धि हुई है, जबकि भारत $310 प्रति टन की दर से चावल निर्यात कर रहा है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि भारत किस स्तर पर पहुंच चुका है। और यहां पर गौर करने वाली बात तो ये रह गई है कि महामारी के बाद चीन ने अचानक अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों को चावल निर्यात रोककर अपने देश के भंडारों को भरना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत के पास पहले से ही चावल का इतना रिजर्व था कि उसने दुनिया भर के देशों को निर्यात जारी रखा था। और आज लगभग हर प्रमुख चावल उत्पादक देश भारतीय चावल ही खा रहा है। यहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और चावल का निर्यातक देश बनकर सामने आया है, जो चीन की हवाइयां गुल करने का काम कर रहा है, क्योंकि अब अफ्रीकी देशों, मिडिल ईस्ट के देशों या फिर एशियाई देश क्यों ना हो, भारत सबको चावल खिला भी रहा है। और तो और बड़ी मात्रा में उन चावलों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो चीन का कद छोटे से और छोटा करने के लिए काफी है।